आया हूं। हमें अवसर मिला, हमने सुरक्षा दी। हमें अवसर दिया, हमने अन्नदाता किसानों का सम्मान किया। हमें अवसर मिला, हमने नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार दिया। हमें अवसर मिला, हमने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में डबल इंजन की सरकार है, फ्री में वैक्सीन, डबल डोज की वैक्सीन, और फ्री में डबल इंजन की सरकार है तो राशन भी फ्री में उपलब्ध कराने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं फ्री में बिजली देंगे, क्या इनकी सरकार के समय बिजली मिलती थी? तो जनता जनार्दन कोई कौन समझाएगा? अगर ये तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, ये तो बिजली देंगे ही नहीं तो फ्री करेंगे कहां से? वो तो फ्री हुई जब देंगे नहीं तो। समाजवादी पार्टी के मुखिया यही बोलते हैं, कहते हैं साहब मेरे पास एक नया अर्थशास्त्र है। तो हमने कहा भी अगर अर्थशास्त्र ही पढ़े होते तो दुनिया में किसी वर्ल्ड बैंक में होकर के कहीं अर्थशास्त्री होते। उत्तर प्रदेश के लिए अनर्थकारी नहीं बनते। जो लोग बिजली नहीं देते थे वे आज फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। हमने बिना भेदभाव के 75 जनपदों में हर व्यक्ति तक फ्री में बिजली, एक बिना भेदभाव के बिजली देने का काम किया है। बिना भेदभाव के निर्बाध बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको बिजली, सुरक्षा सबको दी है। दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है, भय मुक्त प्रदेश बनाया है और विकास भी दौड़ता हुआ दिखाई दिया है। बोलते थे ये भोला सिंह जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, हमारे विधायक गण आते थे, सभी लोग कहते थे कि क्या बुलंदशहर में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा? मैंने कहा चिंता मत करो, अगला मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर में ही होगा। मेडिकल कॉलेज भी हमने दे दिया, मेडिकल कॉलेज भी आपको मिल गया है और मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर कर दिया है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।